तो मैं आज लेके आई हूँ और एक विनर फ्लेवर की केक। इसको मैंने जो है 3 स्लाइस में कट कर लिया है और इस केक में जो मैं है शेडेड इफेक्ट भी देने वाली हूँ। और अगर आपके पास पर्पल कलर ना हो, मेरे पास भी नहीं है, तो कैसे हम लोग पर्पल कलर बनाएंगे वो भी आपको दिखाऊंगी। तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है ये वाला वीडियो, तो वीडियो पर बने रहिए। तो मैंने जो है बेस को 3 स्लाइस में कट करके पहला लेयर ले लिया है। तो पहला लेयर रखने के पहले आपको जो है थोड़ा सा क्रीम लेकर बोर्ड पर लगाना है ताकि हमारा केक जो है फिसल के बाहर ना आए, क्योंकि अभी बहुत ही गर्मी चल रही है और क्रीम हिल जाती है, मतलब अगर आपको डिलीवरी करना हो या जो भी लेके जाए। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा क्रीम अगर बोर्ड पर लगा देंगे तो क्रीम जो है केक को मतलब स्टिक कर देगी, ठीक है, वो हिलेगी नहीं, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा करना ज़रूरी है, ये बहुत ही काम की एक ट्रिक है, आप लोग ज़रूर करके देखिएगा। तो इसी तरह मैंने जो है तीनों स्लाइस को असेंबल कर लिया है, सोक करने के बाद, क्रीम लगाने के बाद, थोड़ा सा चोको चिप्स, और ऊपर की सरफेस जो है एकदम लास्ट वाली जो लेयर थी उसको मैंने जो फ्लिप करके ऊपर में लगाया है ताकि हमारा ऊपर की सरफेस जो है क्लीन मिले और केक की ज़्यादा क्रम्स ना आए। तो मैं जो है अभी केक को मतलब फ्रिज में रख दिया है 10 मिनट के लिए। अभी हम लोग पर्पल कलर की क्रीम बनाएंगे। तो मैंने ले लिया है थोड़ा सा क्रीम बाउल में और ब्लू और पिंक कलर की कलर जो डाली है 2-3 ड्रॉप, और इसी को हम लोग कर्टन फोल्ड करते हुए पर्पल कलर की क्रीम बनाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास जेल कलर हो तो उसी से बहुत ही जल्दी हो जाएगा, तो मेरे पास नहीं था तो मैं जो है लिक्विड कलर से बना रही हूँ। और आप देख सकते हो कितनी शानदार सी पर्पल कलर की शेडेड आई है। ये है डार्क कलर और उसमें थोड़ा सा और व्हाइट कलर की क्रीम मिला दिया है, और ये रहा लाइट कलर की, पर्पल कलर हो गई है, ठीक है। इसके बाद मैं जो है ऊपर व्हाइट कलर की क्रीम लगा दूंगी, ठीक है। तो अब साइड में अभी दिखाऊंगी कितनी अच्छी शेडेड इफेक्ट आई है। और स्क्रैपर लेना है और टर्न टेबल को रोटेट करते हुए इसी तरह आप देख सकते हो कितनी सुंदर आई है। और अगर आप जब भी शेडेड केक बनाओ तो पाइपिंग बैग की मदद से क्रीम लगाओ ताकि क्रीम की जो लाइन है वो प्रॉपर रहे। आप देख सकते हो कितनी मतलब एक प्रॉपर लाइन आई है तीनों क्रीम की। तो आप देख सकते हो कितनी फटी फटी सी क्रीम हो गई है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, 41 डिग्री चल रही थी। तो इसलिए एक ब्रश लेना है, ऊपर एक पैटर्न बना देना है, और ये रहा 1 नोजल। आप देख सकते हो कितनी सुंदर रोजेस बन रही है, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है 1 नोजल की रोजेस। और मैंने जो है 2 स्टार नोजल लिया है और वाइट और पिंक कलर की क्रीम भर के इसी तरह डॉट डॉट कर रही हूँ जितनी मतलब सरफेस खाली है उसके बीचों बीच, ठीक है। तो यही वाला डिज़ाइन मुझे भेजी थी, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि सेम टू सेम बनाऊँ। सेम टू सेम होने से मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ चलो ठीक बन गया है। और इसी केक में जो है मैं नीचे पर्ल वाला बॉर्डर भी बनाऊंगी। तो मैं जो है पर्पल कलर की क्रीम ले लिया है, जो लाइट वाली क्रीम थी वो, और पाइपिंग बैग के आगे छोटा सा एक कट कर लिया है और इसी तरह आगे पीछे करते हुए पर्ल वाला बॉर्डर बना दिया, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और बहुत ही शानदार सी वीडियो आने वाली है, बहुत ही यूज़फुल होने वाली है वीडियो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप लोग देख सकते हो। तो ये रहा मेरा केक कंप्लीट हो गया है, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जो शेडेड इफेक्ट आई है ना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।